एज ए होम बेकर ना हमारा जो मेन काम होता है ना वो होता है कस्टमाइजेशन करना रेगुलर केक्स अपनी जगह पे चलते रहते हैं बट कोई हमारे पास अगर कस्टमाइज़ अपना ऑर्डर लेके आता है ना तो मेरा बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि मैं उसकी हर छोटी से छोटी डिटेल को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखूँ और हर एक छोटी से छोटी चीज़ पूरी करूँ तो ये एक ऐसा ऑर्डर है जो मेरे पास आ, क्लाइंट ने बुक कर दिया था एक हफ़्ता पहले ही तो ये एक मेडिकल फर्म के लिए ऑर्डर था और उनका कुछ सिक्स ईयर्स कम्प्लीट हो रहे थे और वो एक बहुत अच्छी पार्टी कर रहे थे तो उनको कस्टमाइजेशन करानी थी बट उनको केक बहुत ज़्यादा जैसा वो कह रहे थे वैसा ही चाहिए था मतलब ज़रा भी इधर उधर उनको नहीं चाहिए था तो मैंने उनकी पहले सारी बात फ़ोन पे सुनी कि वॉट एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहते हैं उनको कैसा चाहिए तो फिर मैंने उसको और अच्छे से पक्का करने के लिए मैंने एक ड्राफ्ट बनाया मैंने उनको बोला कि ठीक है मेरे को जो समझ में आया ना मैं आपको एक ड्राफ्ट में भेजूँगी अगर आपको सब कुछ ओके okay लग रहा होगा तो आप मुझे उसको वापस कर देना देन मैं उसको ओके okay कर देना और मैं देन बनाऊँगी तो एक केक सिर्फ एक केक नहीं होता है बहुत दिनों के डिस्कशन भी होती है कभी कभी बहुत दिनों की मेहनत भी होती है पर जब वह सक्सेसफुल हो जाती है ना तो बहुत खुशी मिलती है बहुत सुकून मिलता है कि हाँ हमने बहुत ही अच्छे से किया तो ये ड्राफ्ट मैंने उसको पूरा बना के भेजा एंड देन उसकी कंफर्मेशन के बाद मैंने इसको बनाना फिर स्टार्ट कर दिया था तो एज उसमें लिखा ही है बॉटम था मेरा चॉकलेट फ्लेवर तो मैंने चॉकलेट कर दिया और टॉप वाला था मेरा पाइन तो मैंने फिर पाइन एपल को भी इसमें मैंने लेयर कर दिया था तो बहुत सारे केक्स थे उस दिन बहुत सारा काम था तो यहाँ पर मैं कर रही थी पाइनएप्पल केक को भी लेयर और ये मैंने जो टेन साइजेस इसमें यूज़ किया है ना ये टोटल था थ्री के तो मैंने बॉटम लेयर यहाँ पे यूज़ की थी टेन इंच एंड जो टॉप वाला लेयर था मेरा वो था सेवन इंचज़ तो इस तरह से मैंने इसको इक्वल हाइट दे दी थी तो ये एक कॉरपोरेट uh, ऑर्डर था तो बहुत ज़्यादा हाइटेड नहीं चाहिए था उनको नॉर्मल हाइट का केक चाहिए था और मैंने इसलिए इसको टेन एंड सेवन में बनाया अदरवाइज मैं थोड़ा टेन साइजेस चेंज करती हूँ डिपेंडिंग अपॉन क्लाइंट रिक्वायरमेंट तो दोनों लेयर्स को अच्छे से ठंडा कर लिया सेट कर लिया और फिर बारी आती थी आती है स्टैकिंग की तो टूटिया केक मैं एक दिन पहले ठंडा करती हूँ अच्छे से सेट कर लेती हूँ ताकि अच्छे से स्टैक हो जाए तो यहाँ पर मैंने ऊपर टेन साइज रख के कि कहाँ पर आएगा तो मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे डॉवल्स लगा दिए थे और स्टैकिंग मिस हो गया आपको पता है अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो कुछ कुछ पार्ट रिकॉर्ड हो पाता है कभी कभी कुछ कुछ नहीं हो जाता तो जैसा क्लाइंट ने बोला था जो उनका लोगो था तो उससे बहुत ज़्यादा मैचिंग होना चाहिए था कलर तो वो थोड़ा सा टर्की उस कलर था इसलिए मैंने ऊपर वाले को टर्क्यूज़ रखा और ये मेरा पूरा केक रेडी हो गया तो इसके फॉन्डेंट टॉपर्स का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी जिस चीज़ को सीखना है कि ये थेटोस्कोप और ये मैंने कैसे बनाया है मुझे कमेंट करके बताना मैं फिर इसका वीडियो अलग से लेकर आऊँगी एक वीडियो बहुत लंबा हो जाता अगर मैं इसी में सब कुछ ऐड ऑन करती तो मैंने यहाँ पर ऐड ऑन नहीं किया है और यहाँ पर भी एक बहुत यूनिक सा केक था तो मैंने सोचा इसको भी याद शेयर कर देती हूँ तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उसको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक चाहिए बट जो उसको ऊपर से डिजाइन चाहिए ना वो विद फ्रेश फ्रूट डेकोरेशंस चाहिए तो इस मौसम में अगर फ्रेश फ्रूट केक का ऑर्डर आता है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है आपके पास चेरीज़ अवेलेबल हैं मैंगो अवेलेबल है ऑल दो मैंने इस केक में मैंगो नहीं लगाया घर पर ख़त्म था बट इस तरह से आ, कीवी एप्पल ये सब तो मैं हमेशा ही लगाती हूँ और बाई चांस की बात है मैं चेरी ला के रखी थी मैंने और मेरे पास ऑर्डर आ गया तो मुझे बड़ा मज़ा आता है जैसे बहुत कम टाइम के लिए ऐसे फ्रूट्स आते हैं ना उनको उसको उस फ्रूट से डेकोरेट करने में केक एक अलग ही मज़ा है तो मैंने यहाँ पे इन सारे फ्रूट से इस केक को भी डेकोरेट करना था तो जब भी मैं फ्रूट केक बनाती हूँ तो ऊपर जो फ्रूट्स लगाते हैं उस पर हमेशा हमें न्यूट्रल जेल लगाना होता है ताकि वो काला नहीं पड़े तो यहाँ पे मैंने चेरी लिया कीवी लिया और ये बड़ी डिफ्रेंसी एक नोज़ल है इसका नंबर नहीं है मेरे पास एक कट वाली राउंड नोज़ल में एक कट है तो मैंने कीवी चेरी और फिर एप्पल और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पाइनएप्पल भी लगा दिया था तो ये एक बड़ा डिफरेंस केक और बनाया मैंने तो आई होप आज का ये व्लॉग ये मेरे प्यारे से केक एक रेगुलर केक एक कस्टमाइज केक आपको अच्छे लगे होंगे अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर जरूर कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय टेक केयर